बट लाला एक चीज जो आपने जिस पे बात की पिचेस, हम पिचेस की बार बार बात करते हैं कि आप टैलेंट कोई भी सिलेक्ट कर लें, अगर पिच सही नहीं बनेगी तो उस टैलेंट का क्या करना, वो क्या करेगा बगैर सपोर्टिव पिचेस के। अभी जब हम पहले इस दूसरे टेस्ट मैच की जो पिच देखते हैं, कुछ डिफरेंस जरूर आया है, मगर दो दिन में इतना क्विक डिफरेंस हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मेहनत तो की गई। सवेरा मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी भी इस पिच से मुतमईन नहीं हूँ। मैं तकरीबन कोई 3 दफा आमने सामने ग्राउंड मैन के साथ, फिर 2 दफा फोन पे मेरी उनके साथ बात हुई है। मैंने कहा आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि जो चीज हम चाह रहे हैं उसी तरह का विकेट बनेगा, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें हम वैसा ही विकेट बनाएंगे। तो खैर उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी तरह इसी का पिच हो और इसमें बाउंस और ज्यादा हो, और बाउंस होना चाहिए इसके अंदर। अच्छी कोशिश की उन्होंने, ठीक है अच्छा, पहले से बेहतर इसलिए कहूंगा कि पिच पे रन भी हुए और साथ में पूरे दिन में अगर देखा जाए अभी तक तो 6 ही आउट थे, 6 आउट भी हो गए, तो उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आएगा इस पिच का और इंशाल्लाह हमारी जो कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के फेवर में आना चाहिए। तो लाला ब्रीफिंग दी क्या थी उनको जो ग्राउंड्समैन थे, बिकॉज मेरे सुनने में ही आया है कि गालबन पिंडी से, इस्लामाबाद से ग्राउंड्समैन बुलाए गए हैं जो डायमंड क्रिकेट क्लब के वहाँ के जो ग्राउंड के ग्राउंड्समैन होते हैं, तो क्योंकि आपका भी एक रोल आपने बताया भी, तो ब्रीफिंग थी क्या? बिकॉज एक जो पहली तस्वीर आई थी उसमें तो बहुत ग्रास नजर आ रही थी, एंड इट वाज ऑब्वियस कि इतनी ग्रास वाली विकेट तो हम उस पर तो हम नहीं खेलेंगे, लेकिन आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, आपने कहा क्या, क्योंकि आज थोड़ी सी विकेट में अभी भी इतना कोई दम तो नजर नहीं आया है जितनी शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम ज्यादा ऊपर लेकर चले गए थे। जी लाला बिल्कुल ठीक है आपने अदील, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मैंने उनसे 5-6 दफा बात की और उनसे यही कहा है कि मुझे बाउंसी ट्रैक चाहिए। मैंने कहा आप बना लोगे बाउंसी ट्रैक? उन्होंने कहा हम बना लेंगे बाउंसी ट्रैक। तो उनके साथ मिलके पूरी सिलेक्शन कमेटी ने कि हम थोड़ा सा चीजों को चेंज करके चलते हैं, जिस तरह की पिचों पे खेल रहे हैं फायदा नहीं, इसमें सिर्फ अपने रन कर रहे हैं, बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और लंबे लंबे स्पेल्स कर रहे हैं। कि हम जब अगर अपने घर में तैयारी नहीं करेंगे तो हम बाहर जाके साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के पिचों पे क्या करेंगे? तो हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, नए बच्चों का देखना चाहिए। काफी सारी चीजें डिस्कशन हुई हैं, इवन के जो नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट T20 का होगा, मैंने इनको कहा है कि वो प्लेयर सेलेक्ट नहीं होगा जिसका 130-135+ का स्ट्राइक रेट ना हो। तो इस तरह की चीजें शेयर कर रहे हैं, नई चीज है, नई जॉब है हमारे लिए और अच्छी बात है कि अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी डेवलप हो रही है। सिलेक्शन कमेटी वो समझ रहे हैं, उनकी भी यही चाहत है कि इस तरह क्रिकेट को प्रमोट किया जाना चाहिए, हमारे नए बच्चे जो आ रहे हैं उनके जहनों में, उनको अभी से मेंटली और फिजिकली हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आपको आगे आने वाली क्रिकेट वो मुश्किल क्रिकेट होगी, अच्छी पिचों के ऊपर होगी। आई डोंट नो कि कब तक इन चीजों को ये लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को बहुत मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रखें नीचे से, ग्रास रूट लेवल हुई जो बात होती रहती है हमेशा।